आदरणीय भाई भी और के मित्रों का हमने हृदय से सम्मान किया। वो मेरे मित्रगण, मेरे अत्यंत आत्मीय और आदरणीय मदन बाबू इस प्रधान और उनके 73 परिवार के सदस्य हैं। मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ अपने बहना के प्रति कि उन्होंने ये सुझाव दिखाया कि हमारे काफी अंतराल के बाद आत्मीय बंधुओं से मुलाकात हुई और इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ कि प्रतिभा ने ये दायित्व मुझे सौंपा स्नेहवश, क्योंकि वैशिष्टता के आधार पर यदि फैसला करना होता तो अभी मेरे मित्र गीतेश शर्मा ने मुझे प्रीत कर दिया, मुझे आशीर्वाद देकर ये कहते हुए कि मैं आपसे बड़ा इसे आशीर्वाद दे रहा। मैंने कहा कि आप बड़े हैं कि छोटे हैं, इस विवाद में जाना नहीं, आप मुझे बराबर आशीर्वाद देते रहें, यही मेरी काम है। तो आज के शोर और सन्नाटे से हमारी पीढ़ी के लोग इस तरह दबे हुए हैं कि मैं अपने हिसाब से कहता हूँ लगभग हम सभी बूढ़े, मेरी जो बूढ़ी पीढ़ी है वो एक मूक अवसाद महसूस करते हैं। वो कोई अपनी पीड़ा, अकेलेपन की पीड़ा, मित्रों के न मिलने सुनने की पीड़ा, और जो हमारे कलकत्ता का चरित्र था एक मिलन जो किताब प्रकाशित हुई है उसमें मैंने संकेत किया है कि हम एक दूसरे से विचारों के आधार पर लड़ते झगड़ते रहे हैं, अपना अपना वैमत्य हम प्रकट करते रहे हैं, लेकिन इतना प्रीतिकर वातावरण था उस समय कि संवादहीनता हमें नहीं आ सकती। आज ये दुर्भाग्य है कि हम सभी से ये पढ़ रहे हैं। मुझे दो घटनाएं छोटी आपको बताते हैं। पीड़ा क्या होती है? अकेलेपन की पीड़ा, बुढ़ौती की पीड़ा, मसूरी से महापंडित राहुल साहब के कारण इलाहाबाद आए थे। इसे प्रयोजन प्रयोजन पूरा करके सबसे पहले वो चारा कहने गए निराला जी से। निराला जी ने उन्हें गले लगाया और कहा बेटो ये डॉक्यूमेंटेड पैसे घर के कथा मैं नहीं सुना, आप राहुल जी पहाड़ से उतर कर मुझसे मिलने आ गए, मेरे शहर के लोग मुझसे मिलने नहीं आए। आप सोचिए निराला भी उसके बूढ़े नहीं हुए थे तब की यह बात है। एक दूसरी घटना काशी की, मैं बनारस के अपने सूचना मिली
कि मेरे गुरु पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी अस्पताल में उनके दर्शन करने में अस्पताल में वहां जाने पर जानकारी मिली कि आज ही अस्पताल से मुक्त होकर लौटने जाते हैं। वहां से मैं सीधे चल गया शहर ब्रह्मनाथ। मेरे दूसरे गुरु आचार्य विश्वनाथ प्रसाद में उनको प्रणाम करने में गए। जाने पर पंडित जी प्रसन्न हुए, हमने बताया कि मैं गया था द्विवेदी जी को देखने, लेकिन आज ही वो मुख्य प्रणाम करने के बाद मैंने कहा कि पंडित जी, मैं चला गया था पंडित विश्वनाथ जी को प्रणाम करने। वो सैया साई थे, पक्षाघात थे, खंडित ऐसे हैं पंडित। हमने कहा कि आपका समाचार जान करके कि आप अस्पताल से मुक्त हो गए हैं, बहुत प्रसन्न हूँ। यही बुढ़ौती का धन एक ही शहर में रहते हम एक दूसरे से मिल नहीं पाते, ऐसी रहता दिया है। तो मैं ये संकेत करना चाहता था कि जो एक सद्भाव था वो सीधे धीरे खत्म हो रहा। हम इतने शौक कैंडिडेट हो गए और कुछ शारीरिक लाचारी, शारीरिक अशीलता क्षीण हो गई, चाह करके हम एक दूसरे के यहाँ आ जाने पर ये एक तरह की वैजने लाचारी। इस माहौल में मैं सोचता हूँ कभी कभी कि मदन मोहन अग्रवाल होते हैं तो क्या होता, कैसे नाटा का अटेपन का इतना सटीक उपचार उनके पास था। ये हमारे सारे मित्र उनसे इतने जुड़े हुए थे और उनके स्नेह से बहुत ज्यादा उनको बढ़ लेता एक ही रखता था। अभी हमने उनके बारे में मेरी बहना ने पढ़ के बताया वृतान, वो तो है एक उनके किसी बात नहीं जो पता है। एक कैसे किसी को सुख दिया है तो होता है, इसके प्रति वो बहुत ही संवेदनशील। नवल जी के साथ वो जा रहे थे मध्यम ग्राम से भेज दिया, उठा दे नवल ये पंडित जी हमको कहते पंडित जी तो यही कहिए भाषा में कहीं उनको देख कर मुझे वही बोले एक माइक वहां लगाने का।
घर में उनको कहें सर आप श्रोता को संबोधित नहीं करके आप उधर संबोधित करते हैं। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप बोलिए, आप बोलिए। सद्भाव की बात बहुत दिक्कत होती है, उनकी सहजता की बात बार बार किया जाती है कि बड़ा बाबू होते तो ये ना हो, ये समस्या हल हो जाती। एक कहीं पीड़ा भी होते कहने के जो शायद मैंने नहीं देखी, डायरी डायरी में मेंशन किया है कि नहीं, जिसका संकेत मैंने अपने आदेश में किया। मैं जब दिखा दी है तो उनको इस बात की बहुत पीड़ा थी कि प्रतिभा अग्रवाल उनके भार्या एकेडमिक दृष्टि से कलकत्ते में सबसे क्वालिफाइड अध्यापन का लंबा अनुभव, प्रशासनिक भी अनुभव, लेकिन उनके लिए कलकत्ता विश्वविद्यालय का कपाट नहीं खोला। मनो बाबू कहते थे कि पंडित जी पैसे की जरूरत नहीं, लेकिन प्रतिभा ने इतनी लंबी तपस्या जो की है उसको एहसास होना चाहिए, आश्वस्त वो आश्वस्त हो कि हमने जो काम किया है उसके उपयुक्त हमको स्थान मिला। जबकि सारे से सारे निर्णायक जो थे जिनका अपने वक्तव्य में प्रतिभा जी ने संकेत किया, बड़ा प्रेम था उस समय जो वहाँ के निर्णायक थे, घरेलू संबंध बहुत अंदर है संबंध, एक साथ ये लोग यात्रा पर निकलते थे तो टोली जाते थे, किसे है किसे के मन में ये संवेदना नहीं थी या विवेक नहीं था, राम भी जाने क्या थे। ये पीड़ा मदन बाबू को बहुत साल की थी और अक्सर हमसे कहता था ये फुटपाथ को खड़े खड़े हमको उन्होंने बताया, हो सकता है और मेरे मित्रों से भी कहा हो, मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने और किसी से न करके जब मुझे प्रतिभा जी ने कहा कि एक किताब निकल रही है उस बात नए सिरे से पूछे थे, हमने लिखा यद्यप मेरी आँख असहयोग कर रही है मित्रों, मैंने आपके सामने रखे और मैंने कल शाम को अपनी बहना से क्षमा याचना करते हुए कहा कि मुझे 8 दिन पहले पहले जो दवाएं खानी पड़ती हैं तो जैसा उनका होता है, उन्होंने कहा कि दवा साथ ले जाए, हम अपने वाली खाएंगे आप अपने वाली खाएंगे, नगर जी को मैं कह रहा था कर्मचारी को, तो बड़ी बहन है हुकुम का उद्देश्य है, मैं बहुत ज्यादा बड़ी बहना के प्रति कृतज्ञता का ज्ञापित मैं करूँ, लेकिन तत्वों मेरे मित्रों का मेरे हाथ से सम्मान करा करके उन्होंने मेरे प्रति सतमुच छोटे भाई को उपकृत किया है, धन्यवाद।